हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस टॉपिक में मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, तो देखने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए दोस्तों। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ बीकॉम सेम फोर। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। बीकॉम सेम फोर वाले के लिए ही वीडियो है। अगर बीकॉम सेम फाइव वाले देखते हैं तो स्किप कर दीजिए, बीकॉम सेम टू वाले देखते हैं तब भी स्किप कर दीजिए, बीकॉम सेम थ्री वाले देखते हैं तब भी इसे स्किप कर दीजिए। सिर्फ ये वीडियो बीकॉम सेम फोर वालों के लिए ही है। तो मैं फिर से एक और बार बता देता हूँ, बीकॉम सेम फोर वाले के लिए ही ये वीडियो है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बीकॉम सेम फोर स्टेटिस्टिक्स के बारे में, स्टेट के बारे में, बीकॉम सेम फोर स्टेट्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक। अरे अरे, एक मिनट रुक गया। शुरुआत बहुत ही उतावल कर दिया आपने। शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक नीचे दिखता हुआ आपको लाल बटन नहीं दबाया तो सबसे पहले उसे एक ठोक दीजिए, और उसमें बाजू में आता बेल आइकन को, वो भी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस टॉपिक बीकॉम सेम फोर स्टेट चैप्टर वन के बारे में। कहीं मेरे सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि मैं बीकॉम सेम फोर स्टेट के चैप्टर वन के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं उनके लिए लाकर आखिर लेके आ ही गया हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं बीकॉम सेम फोर स्टेट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा। ऊपर यहाँ पर आई बटन आता होगा, वहाँ पर मैं उसके लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके इस देख भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आज ये आपको रकम दिख रही होगी, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है और उसका सम नंबर है 8 का। हम ये फर्स्ट वाला हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये फर्स्ट जो आपको दिख रहा हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। देखिए ये हमारे यहाँ पर रकम दी हुई है, ऐसी यही रकम हमें यहाँ पीछे दी हुई है। तो सिंपल सी है, मैं जूम कर देता हूँ। ये एक और ये दो, ये कुल मिलाकर दो है। तो हम इसको यू धार लेंगे और इसको वी, 2x² + 5x - 3 और वी 4x + 1। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आपको एक सूत्र याद रखना होगा। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एक सूत्र है जो आपको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक और बार, ये यू और ये वी। तो dy by dx इज़ इक्वल टू 2x² जो ये आपको दिख रहा होगा, 2x² तो जो आपको दो दो दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 हो जाएगा, और ये x मतलब 4x। ठीक है, 2 का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है मतलब गुणाकार करना है, और जो x है वो ऐसा के ऐसा ही रखना है, 2 4 + x यानी 4x। ठीक है, प्लस ये चैप्टर में जो खाली संख्या हो, मतलब कि एक्स बिना की जो भी संख्या हो उसे हम यहाँ पर नहीं लेंगे, मतलब वो 0 हो जाएगा, और जो सिर्फ एक्स वाली होगी उसमें हमसे उसको हम एक्स हटा देंगे, उसमें से सिर्फ एक्स को हटा देंगे। ठीक है, फिर से एक और बार बता देता हूँ कि जो भी सिर्फ ऐसी रकम, ये ऐसी रकम आपको होगी, मतलब सिर्फ संख्या होगी, x y ऐसा कुछ भी दिया नहीं होगा,
तो हम इसे जीरो धार लेंगे, और फाई एक्स, ये फाई एक्स आपको दिखता है तो हम सिर्फ एक्स हो, एक्स की घात न हो, तो एक्स को हम हटा देंगे और सिर्फ फाई लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, टू टू फोर ने एक्स, ठीक है, प्लस एक्स यहाँ से हट जाएगा तो सिर्फ फाई बचेगा, तो एक्स प्लस फाई। इसी तरह यहाँ पर भी फोर एक्स, फोर एक्स है तो एक्स को हम हटा देंगे, अगर यहाँ पर घात होती स्क्वायर या घात होती तो हम यहाँ से इसे ऐसा कहीं ऐसा ही मतलब ये ऐसा गुणाकार करते, दो दो का जैसे कि हमने गुणाकार करा ऐसे हम इसे भी गुणाकार करते, पर यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स, फोर एक्स दिया हुआ है तो हम एक्स को यहाँ से हटा देते हैं, और प्लस वन, वन सिर्फ संख्या है तो हम इसे ज़ीरो ले लेंगे, तो ज़ीरो को लिखो या ना लिखा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो dv/dx सिर्फ हमें फोर मिला, ठीक है। तो ये इसका सूत्र है, ये सूत्र है y बराबर यू इंटू वी, मतलब दोनों का हमें यहाँ पर गुणाकर करना है। इसका सूत्र है dy/dx इज इक्वल टू, पहले क्या है u, तो u लिया हमने, u कौंस में dv/dx, प्लस बाद में हमें यहाँ पर v दिया हुआ है तो v du/dx। तो u बराबर देखिए u, ये सबसे पहले u है तो ये u है, तो u की कीमत हमें यहाँ पर मिली है 2x, वही की वही हम यहाँ पर उतार देंगे, और dv/dx ये जो आपको दिख रहा है उसकी कीमत हमें यहाँ पर 4 दी हुई है, तो ये हमने 4 लिख दी, और इसी तरह v की कीमत हमें यहाँ पर दी है 4x+1, तो हमने यहाँ लिख दी 4x+1, और du/dx की कीमत हमें यहाँ पर दी है 4x+y, तो हमने यहाँ पर लिख ली 4x+y, ठीक है। सिंपल सी है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2x² + (4), तो 4 × 2 = 8x² प्लस 5 × 4 मल्टीप्लाई करें तो 20x - 4 = 12x, ठीक है। प्लस इसी तरह हमें इसका सबसे पहले इसके साथ गुणाकार करना है, फिर इसका हमें इसके साथ गुणाकार करना है, फिर इसका हमें इसके साथ करना है, और इसका हमें फिर इसके साथ करना है, ठीक है। 4x + 4x = 16x² प्लस 4x × 5 तो 20x प्लस 4x, अब हमें इसके साथ ये वाला है उसको हमें देखना है, अब इसका हमें इसका और इसका गुणाकर करेंगे और इसका और इसका हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 4x = 4x × 1 × 5 मतलब 5x, या सिर्फ 5, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो भी स्क्वायर स्क्वायर वाला जो भी दिखता होगा उसको, ये स्क्वायर प्लस है और ये भी स्क्वायर प्लस है, तो ये 24x² प्लस 20x और 4x इज इक्वल टू 20 × 20 = 40 प्लस 4, तो ये 44, इसके बाद -16 और +5, तो इसको हम माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 7 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर आ चुका दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी था ये सम दोस्तों। आपको ध्यान लगाकर आपको देखना है, समझ में नहीं आता तो आपको फिर से वीडियो की शुरुआत से आपको देखना है, मैं बहुत ही सिंपल इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और भी मैं वीडियो इसके पहले मैं BCOM SEM4 कॉस्ट अकाउंटिंग, BCOM SEM4 स्टेट्स
और बीकॉम सेम फॉर टैक्सेशंस के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा दोस्तों। तो ये वीडियो, और हाँ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि आप लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, ताकि ये और भी लोगों को शेयर भी करें, तो आपके दोस्त आपके ग्रुप में, आपका कॉलेज का ग्रुप होगा ठीक है, उसमें भी आप शेयर करें, तो आपका क्या है कि आपके दोस्त भी जान सके इसे। और हाँ सब्सक्राइब करें, उनको भी अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो सब्सक्राइब करें, उनको बता दें कि सब्सक्राइब करें, तो आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।